फाइंड द प्रॉफिट और लॉस अब आपको निकालना है इसमें प्रॉफिट या लॉस यानी जो भी इसमें निकलेगा आपको वो निकालना है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस क्या इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सबसे पहली बात कि लॉस और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी सो so, यहां पे एसपी कितना है 900 सीपी क्या है 800 तो हमारा एस पी क्या है वेन अवर एस पी इज ग्रेटर देन सी पी सो वी हैव प्रॉफिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा सो so, सबसे पहले वी विल राइट कॉस्ट प्राइस यानी सी पी सी पी कितना है रुपीज एट हंड्रेड और एस पी कितना है हमारा एस पी इज इक्वल टू रुपीज नाइन हंड्रेड नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इसमें हमारे क्या हो रहा है इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट वी विल डू एस पी माइनस सीपी यानी कि रुपीज नाइन हंड्रेड विच इज अवर सेलिंग प्राइस एंड रुपीज एट हंड्रेड विच इज अवर कॉस्ट प्राइस फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोफिट नाइन हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड इज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड सो शॉपकीपर को कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को हुआ पूरे हंड्रेड रुपीज का क्या हुआ उसको पूरा प्रॉफिट हुआ सो so, Yani नेक्स्ट क्वेश्चन में खरीदी तो उसका, क्या हो, जाएगा? उसका हो, जाएगा yani कितना हो गया हमारा रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड अब एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड और उसने कितने में उसको बेचा तो बेचना क्या होता है हमारा बेचना होता है हमारा सेलिंग प्राइस तो तो कितने में बेचा? उसमें बेचा? रुपीस, रुपीस में बेचा उसने उसने बेच दिया अब या तो इसमें प्रॉफिट निकलेगा या निकलेगा अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें हुआ हुआ या हुआ? क्योंकि हमें तो दोनों ही है या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस एग्जैक्ट तो नहीं बताया हुआ सो so, इसके लिए क्या है इसमें आप सबसे पहले देखोगे इफ सीपी ग्रेटर देन एस पी अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमें लॉस होगा सो so, और अगर हमारा एसपी ग्रेटर होगा सीपी से तो हमें प्रॉफिट होगा सो इसमें क्या है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी सो हमें क्या होगा हमें होगा लॉस सो फॉर फाइंडिंग आउट लॉस वी विल डू सीपी माइनस एसपी सो व्हाट इज अवर कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड एंड अवर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रूपीज सो वी विल डू सब्रैक्ट दीज टू नंबर्स and after subtracting we will get rupees 3000 which is the loss of the shopkeeper on an item he purchased so i hope guys you have understand these two easy concept with these two questions so in the next video i will share more questions regarding profit or loss and profit and percentage how to find a profit percentage how to find a loss percentage till then wait share and like my youtube channel and don't forget to subscribe thank you